हेलो एवरीवन, दिस इज सीए केवल मोता एंड नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज द चैप्टर ऑफ रिफंड अंडर जीएसटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है रिफंड फॉर सीए फाइनल, सीएमए फाइनल, सीएमए इंटर के लिए सिर्फ प्रोसेस ऑफ रिफंड उन लोग के सिलेबस में है। तो रिफंड की जब भी हम लोग बात करते हैं तभी सबसे पहला नाम दिमाग में आता है एक्सपोर्टर। ठीक है, तो रिफंड जो होता है वो एक्सपोर्टर को मिलता है। एक्सपोर्ट करने के दो तरीके, अंडर एलयूटी, विदाउट एलयूटी। अगर आपके पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है एंड आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस एक्सपोर्ट्स के सेल्स के ऊपर आप लोग को जीएसटी पे नहीं करना होता। ठीक है, उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आप एलयूटी के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो भी आपने परचेस किया था फॉर एक्सपोर्टिंग, उस परचेस पर जो भी जीएसटी लग के आया होगा उसका आपको रिफंड दिया जाता है एज पर रूल नंबर 89(4)। हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ओके, सेकेंड तरीका ऑफ एक्सपोर्टिंग। सेकेंड तरीका क्या होता है, आपके पास एलयूटी नहीं है तो जो भी आप एक्सपोर्ट्स का सेल करोगे उसके ऊपर जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, आउटपुट के ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा थ्रू योर आईटीसी, एंड जो भी जीएसटी आपने आईटीसी से पे किया है वो जीएसटी आपको रिफंड दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट। क्लियर है? सो देखने गए तो दोनों प्रोसेस सेम है, दोनों में से प्रोसेस अलग है, बट दोनों में से जो अमाउंट आएगा रिफंड का, दैट वुड बी सेम। सो रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किसको मिलता है वो हम लोग पढ़ेंगे अभी। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी मतलब आपने परचेस किया, लेकिन सेल्स के ऊपर आपका लायबिलिटी बन नहीं रहा है या फिर बन रहा है तो कम बन रहा है। तो आपका जो आईटीसी है वो पड़ा रहेगा तो उसको बोलते हैं अपन अनयूटिलाइज्ड आईटीसी। रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी किसको मिलता है, जीरो रेटेड सप्लायर को एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझेंगे अभी। जीरो रेटेड सप्लायर का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है या फिर अगर एसईजेड को बेच रहा है। अगर आपने एक्सपोर्ट किया या फिर एसईजेड को बेचा तो दोनों केसेस में आप लोग को जीरो रेटेड सप्लाईज के लिए रिफंड दिया जाएगा अंडर रूल 89(4), प्रोवाइडेड यू आर हैविंग एलयूटी। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन है, आपके पास एलयूटी होना चाहिए तो ही आपको रूल नंबर 89(4) अप्लाई करना है। नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा, एक सेकेंड ना। एलयूटी होना चाहिए, ठीक है, तो ही आप लोग को रूल नंबर 89(4) एप्लीकेबल है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ परचेस कर रहा हूँ एट द रेट ऑफ 28%, बट मैं जब मैनुफैक्चर करता हूँ, ठीक है, मैनुफैक्चर प्रोडक्ट को जब बेच रहा हूँ तब सिर्फ 5% कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैनुफैक्चर्ड प्रोडक्ट के ऊपर 5% है, लेकिन परचेस करने पर 28% है। तो यहाँ पर मेरा आउटपुट टैक्स हमेशा कम आएगा। ठीक है, आउटपुट टैक्स वुड बी वेरी मच लेस, 5 रुपये का आएगा। ठीक है, लेकिन जो मेरा परचेस का आईटीसी होगा वो अराउंड 20 रुपया होगा, तो यहाँ पर मेरे पास 15 रुपया एक्सेस हमेशा पड़ा रहेगा जिसका मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूँ एज पर द स्पेसिफाइड फॉर्मूला जो दिया हुआ है रूल नंबर 89(5) में। क्लियर है? बेसिक मीनिंग क्लियर हुआ। अनयूटिलाइज्ड आईटीसी का रिफंड दो लोगों को मिलता है, जीरो रेटेड सप्लाईज वालों को एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वालों को। ओके, डीम्ड एक्सपोर्ट मर्चेंट एक्सपोर्ट क्या होता है हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग स्पेसिफिकली डील करेंगे जीरो रेटेड टर्नओवर से। ठीक है, जीरो रेटेड सप्लाईज के रिफंड से हम लोग अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे स्टार्ट। एज पर रूल नंबर 89(4), एकदम सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, देखो, नेट आईटीसी फॉर द रेलेवेंट पीरियड इंटू जीरो रेटेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। नेट आईटीसी इंटू जीरो रेटेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। नेट आईटीसी का मतलब होता है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का आईटीसी, लेकिन 89(4)(a)(4)(b) का आईटीसी नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सेपरेट डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का आईटीसी आप लोग को यहाँ पर लिखना है फॉर अ रेलेवेंट पीरियड। रेलेवेंट पीरियड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अप्रैल से लेकर के जून तक का रिफंड फाइल कर रहे हो, सो अप्रैल से जून तक का जितना भी आईटीसी होगा इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस का उसको कहा जाएगा नेट आईटीसी। तो नेट आईटीसी समझ में आ गया, इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस, नॉट कैपिटल गुड्स। जीरो डेट टर्नओवर, ओके, जीरो डेट टर्नओवर क्या होता है, गुड्स के लिए अलग होगा सर्विस के लिए अलग होगा। ओके, गुड्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे पॉइंट नंबर 2 करके, गुड्स के लिए होता है लोअर ऑफ इनवॉइस वैल्यू और एफओबी वैल्यू, ओके, और 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक प्राइस। इन तीनों में से विच एवर इज लोअर होगा वो गुड्स के लिए क्या माना जाएगा, जीरो रेटेड टर्नओवर माना जाएगा। क्लियर है? स्क्रीन का थोड़ा इश्यू हो रहा है आज, पता नहीं, आई थिंक अब सही से चलना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया, जीरो रेटेड टर्नओवर जो न्यूमरेटर है, ओके, उसके लिए गुड्स एंड सर्विस उन दोनों के लिए अलग अलग डेफिनेशन है। ओके, गुड्स के लिए क्या है, एकदम सिंपल, इनवॉइस वैल्यू, जो भी एक्सपोर्ट का इनवॉइस होगा वो वैल्यू,
एफओबी वैल्यू जो शिपिंग बिल पे डालते हैं अपन, ठीक है, दोनों ही डालते हैं वैसे तो इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, एंड उस लोअर को कंपेयर करेंगे हम लोग 1.5 टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक प्राइस. ओके, तो इन तीनों में से विच एवर इज लोअर जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका न्यूमरेटर माना जाएगा. समझ में आया? गुड्स के लिए. सर्विस के लिए अगर आप लोग को कंसिडरेशन पहले मिला है, ओके, अगर आप लोग को कंसिडरेशन पहले मिला है सर्विस के लिए, तो जो भी मंथ में इनवॉइस बनेगा उस मंथ में न्यूमरेटर में ऐड किया जाएगा. क्लियर है? लेकिन अगर आपको आपने इनवॉइस पहले बना दिया, आपने इनवॉइस पहले बनाया, ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब भी आपको पैसा मिलेगा, ठीक है, कंसिडरेशन जब भी मिलेगा तब आप लोग को टर्नओवर में ऐड करना है. क्लियर है पॉइंट? मतलब इन सिंपल वर्ड्स, कंसिडरेशन और इनवॉइस विच एवर इज लेटर वाले मंथ में ऐड होगा इन द न्यूमरेटर. पॉइंट क्लियर है? ठीक है, सो कंसिडरेशन पहले आया है, अब तक इनवॉइस बनाया ही नहीं, तो हम लोग को ऐड करना ही नहीं. समझ में आया पॉइंट? मतलब एडवांस अगर आया है तो वो आपके न्यूमरेटर में ऐड नहीं होगा. ओके, एडवांस के लिए एडवांस कब ऐड होगा, जब भी उस एडवांस का इनवॉइस बनेगा तब इनवॉइस वाले मंथ में ऐड किया जाएगा. ओके, यहाँ पर सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब बात करेंगे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर की. एडजस्टेड टोटल टर्नओवर मतलब जो न्यूमरेटर में हमने ऐड किया वो तो आएगा ही आएगा, प्लस जो टैक्सेबल सप्लाइज आप इंडिया में कर रहे हो वो भी आप लोग को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन एग्जम सप्लाइज ऐड नहीं करना है आपको, एग्जाम सप्लाई ऐड नहीं करना है, जीएसटी कंपोनेंट भी ऐड नहीं करना है, एंड रूल 89(4)A(4)B का टर्नओवर भी ऐड नहीं करना है. ठीक है, रूल 89(4)A(4)B का क्या मतलब है, इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में. क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग को रिफंड दिया जाएगा इन केस ऑफ रूल नंबर 89(4). उसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का. इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड किस तरीके से मिलेगा, रूल नंबर 89(5) के हिसाब से. ओके, नेट आईटीसी इंटू इन्वर्टेड टर्नओवर, ठीक है, इन्वर्टेड ड्यूटी वाला जो टर्नओवर होगा वो डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. क्लियर? माइनस माइनस इसमें से कुछ माइनस करेंगे, टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर, टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर मतलब जो इन्वर्टेड टर्नओवर ये था उसके ऊपर जितना टैक्स आ रहा है वो मल्टीप्लाइड बाय जो नेट आईटीसी था. ओके, जो नेट आईटीसी था, ये नेट आईटीसी यहां पर मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का आईटीसी. ओके, तो इस तरीके से जो भी आंसर आएगा आपको, जो आंसर आएगा वो आपको क्या देगा, इन्वर्टेड ड्यूटी में आप लोग को इतना रिफंड मिल सकता है. क्लियर है? अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेट आईटीसी का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स, इनपुट सर्विस का आप लोग को रिफंड नहीं दिया जाएगा, इनपुट सर्विस का रिफंड नहीं दिया जाएगा. क्लियर है? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का जो डेफिनेशन है वो रिमेन सेम एज पर रूल 89(4), ठीक है, सेम डेफिनेशन रहेगा. क्लियर है पॉइंट सबको? तो अपन ने दो फॉर्मूला सीखा, एक बार वापस से बता दे रहा हूँ. जीरो रेटेड सप्लाई का केस में 89(4) का फॉर्मूला लगाना है, नेट आईटीसी इनटू जीरो रेटेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर. पॉइंट समझा? इन्वर्टेड में नेट आईटीसी इनटू इन्वर्टेड टर्नओवर अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माइनस टैक्स पेएबल ऑन इन्वर्टेड टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी अपॉन आईटीसी ऑफ इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस. इस तरीके से करके अपने को फाइनल आंसर मिलेगा. ओके, अभी हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 89(4)A एंड 4(B) का. एकदम डिटेल डिस्कशन है, ठीक है, इतना डिटेल डिस्कशन आपको यूट्यूब पर कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा. ठीक है, 100% गारंटी है, कोई भी वीडियो में नहीं मिलेगा. क्लियर है? अभी उसके लिए आपको सबसे पहले केस समझना पड़ेगा. डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है? डीम्ड एक्सपोर्ट बेसिकली आप लोग इंडिया वाले पर्सन को ही बेच रहे हो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को नोटिफाई किया, कुछ सप्लाईज को नोटिफाई किया हुआ है. ओके, जिसको हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट कहते हैं. कौन से सप्लाईज है? अगर जिसके पास एडवांस ऑथोराइजेशन है आपने उस पर्सन को बेचा, तो मतलब मान लेंगे कि आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया. किसी पर्सन के पास ईपीसीजी स्कीम है, आपने उस पर्सन को बेचा, तो मान लेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट किया. या तो फिर आपने ईओयू को बेचा, तो मान लेंगे कि आपने डीम्ड एक्सपोर्ट किया. ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो, पर आप जिस किसी को भी दे रहे हो उसका काम है एक्सपोर्ट करना, उसको कहा जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट. आया समझ में? ओके, अब डीम्ड एक्सपोर्ट में रिफंड दोनों में से कोई कोई भी एक जन ले सकता है, ठीक है, या तो सप्लायर या तो रिसिपियंट, दोनों में से कौन कब लेगा वो डिस्कस करते हैं. पहले सबसे पहला केस अगर ए ने ईओयू को सप्लाई किया, दिस इज अ डीम्ड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन. ओके, अब ए ने इनवॉइस इस तरीके से बनाया, 10,000 + 1,800 11,800. ईओयू ने 11,800 पे किया ए को, ए ने कितना पे किया, 11,800 पे किया. ओके, तो यहां पर जो ईओयू है उसने टैक्स का बर्डन बेयर किया, तो यहाँ पर रिफंड कौन क्लेम करेगा, 89(4)A में ईओयू रिफंड क्लेम करेगा. आ गया समझ में? दैट इज रिसिपिएंट. क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर ईओयू रिफंड क्लेम करेगा.
लेकिन अगर सेकंड केस होता, ओके सेकंड केस अभी बता रहा हूँ, आज स्क्रीन बहुत हैंग हो रहा है पता नहीं क्यों। ओके सेकंड केस यहाँ पर देखो, नीचे नीचे जो लेफ्ट में लिखा, राइट में लिखा हुआ है वो डिस्कशन बाद में करेंगे अपन। सेकंड केस क्या है, ए ने बी को सेल किया 10,000 प्लस 11,800, टोटल बनता है 11,800, बट ईओयू पे कितना करेगा, सिर्फ 10,000। मतलब ईओयू ने जीएसटी पे नहीं किया ए को, बट ए तो गवर्नमेंट को पे करेगा 1,800 एंड ए को रिफंड मिलेगा। अभी 89(4)A में रिफंड कौन क्लेम करेगा, ए रिफंड क्लेम करेगा। आया है समझ में? अभी दोनों केसेस में 89(4)A(4)B का 89(4) से क्या ताल्लुक है वो समझेंगे। अभी उसके लिए मैं आपको एक पहले केस स्टडी समझा देता हूँ। आज स्क्रीन बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। ठीक है, अभी केस क्या देखो, केस नंबर वन। हाँ केस नंबर वन, ए ने बी को सेल किया है, ओके दैट इज ईओयू को। ईओयू ने 11,800 रुपया पे किया है ए को, ओके तो यहाँ पर रिफंड कौन क्लेम करने वाला है 1,800 रुपये का, ईओयू क्लेम करने वाला है अंडर रूल 89(4)A। अभी ये सिनेरियो सुन लो, ध्यान से सुन लो सब लोग। जो गुड्स ए ने ईओयू को सेल किया, वो गुड्स ए ने खरीदा था, ओके वो गुड्स ए ने खरीदा था 8,000 रुपये में प्लस जीएसटी 1,400 रुपया, ओके 1,440। ए ने ईओयू को सेल किया 10,000 प्लस 1,800, क्लियर है। ईओयू वही गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है 15,000 में, ठीक है। ईओयू सेम का सेम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है 15,000 में। उसके अलावा ए का और भी कुछ ट्रांजेक्शन्स है। देखो ए क्या करता है, और 1 लाख का गुड्स खरीदता है, ठीक है। ए क्या कर रहा है, और 1 लाख का गुड्स खरीदता है एंड उन गुड्स को ए डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है। ए डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है, ध्यान से सुनना, ए डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ए दो सेल्स कर रहा है, एक ईओयू को एक खुद का एक्सपोर्ट, समझ में आया? अभी इसका इफेक्ट क्या होगा वो देखो, फ्रॉम ईओयू पॉइंट ऑफ व्यू। अभी जो आईटीसी है यहाँ पर 1,800 का, जो ईओयू ने क्लेम किया होगा उसका रिफंड क्लेम करेगा 89(4)A में, तो ऑब्वियसली 89(4)A में उसको रिफंड मिलेगा। तो जो नेट आईटीसी अपन ने ऊपर पढ़ा 89(4) में, ओके उस 89(4) के नेट आईटीसी में ये 1,800 को ऐड नहीं करना है, ओके ये 1,800 को ऐड नहीं करना, समझ में आ गया? क्लियर। अभी 15,000 रुपये का एक्सपोर्ट किया ईओयू ने, ओके तो ये 15,000 रुपया भी न्यूमरेटर में भी ऐड नहीं होगा, ओके दैट इज जीरो टू टर्नओवर में भी ऐड नहीं होगा एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी ऐड नहीं होगा, क्लियर है पॉइंट? मतलब 15,000 रुपया ऊपर भी ऐड नहीं होगा, नीचे भी ऐड नहीं होगा, नेट आईटीसी में 1,800 भी ऐड नहीं हुआ, पॉइंट क्लियर सभी को? ओके अभी यही केस में, ठीक है जो नॉर्मल केस है, इसी केस में ए के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे अभी। ए के पॉइंट ऑफ व्यू क्या इफेक्ट आएगा वो देखो, स्क्रीन नीचे ही नहीं जा रहा है। हाँ ओके यहाँ पर देखो, ए ने खुद का भी एक्सपोर्ट्स किया है 1,50,000 का। यहाँ पर देखो 1 लाख में खरीदा है एंड 1,50,000 में ए ने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया, ठीक है। तो ए को रिफंड मिलना चाहिए, ऑब्वियसली इस 18,000 का रिफंड मिलने ही वाला है उसको, ओके तो ए का नेट आईटीसी कितना रहेगा? अभी यहाँ पर ध्यान से सुनना, 89(4)A का रिफंड कौन क्लेम कर रहा है, रिसिपियंट क्लेम कर रहा है, रिसिपियंट क्लेम कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो ए ने परचेस किया था, ए ने दो परचेस किया, ए ने दो परचेस किया, दो सेल किया, दो क्या परचेस किया, एक ईओयू को बेचने के लिए, एक डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने के, ठीक है। सो दोनों का टोटल नेट आईटीसी होगा, ओके जीरो रेट टर्नओवर सिर्फ 1,50,000 होगा, क्योंकि पहला वाला तो डीम्ड एक्सपोर्ट है, ओके खुद ने तो एक्सपोर्ट किया नहीं, तो 1,50,000 हो जाएगा। एंड ए का एडजस्टेड टोटल टर्नओवर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। ए का एडजस्टेड टोटल टर्नओवर कितना हो जाएगा, 160, नॉट 150, 160। कैसे, यहां पर रिफंड रिसिपिएंट क्लेम कर रहा है, क्लियर है। तो जो सप्लायर होगा उसके टर्नओवर में तो नॉर्मली रखना है आप लोग को, तो 1,50,000 का उसका ये वाला सेल प्लस ये वाला 10,000 का सेल, ठीक है। सो 1,60,000 वुड बी द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर ऑफ ए। सबको समझ में आ गया, एकदम सिंपल था। जब रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है, जब रिसिपिएंट रिफंड क्लेम कर रहा है तो सप्लायर के नेट आईटीसी में भी ऐड हुआ, ओके एंड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में भी ऐड हुआ। आया पॉइंट समझ में? सो हियर वी कंप्लीट विद केस वन। अब केस टू की बात करेंगे। केस रिमेन सेम, खाली यहां पर एक एक छोटा सा पॉइंट में चेंज करेंगे, उसके वजह से पूरा चेंज हो जाएगा, ओके अमाउंट्स रिमेन सेम। अब यहां पर क्या हो रहा है देखो,
ईओयू ए को कितना पे करेगा? सिर्फ 10,000 पे करेगा। मतलब यहां पर ईओयू ने आईटीसी का बर्डन लिया ही नहीं है, लिया ही नहीं है, तो यहां पर रिफंड कौन क्लेम करेगा? ए रिफंड क्लेम करेगा। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गया? ओके, अब यहां पर देखो फ्रॉम ईओयू पॉइंट ऑफ व्यू, देखो आईटीसी तो लिया ही नहीं है ईओयू ने, तो आईटीसी में तो ऐड होगा ही नहीं, आईटीसी में तो ऐड होगा ही नहीं। क्लियर है? अभी ये जो 15,000 का सेल्स है, ठीक है, जो ईओयू ने किया विच इज परचेज फ्रॉम ए, ये 15,000 का जो सेल्स है, दिस इज सेल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिफंड इज नॉट क्लेम्ड अंडर रूल 89(4)A(4)(b) बाय ईओयू। तो यहां पर ये 15,000 को हम लोग ऐड करेंगे इन द जीरो रेटेड टर्नओवर एज वेल एज इन द एडजस्टेड टोटल टर्नओवर। पॉइंट क्लियर? 15,000 को आपको ऐड करना है। क्लियर है? अब आगे फ्रॉम एज पॉइंट ऑफ व्यू, अभी यहां पर रिफंड ए को मिलने वाला है 1,800 का, तो यहां पर फोर्थ पॉइंट देखो, 1,800 का रिफंड किसको मिला? ए को मिला। क्लियर? अभी ए का जो रिफंड एस्पेक्ट है उसमें क्या चेंजेस आएगा? नेट आईटीसी जो रहेगा वो पिछले केस में अगर आपको याद होगा तो 19,000 समथिंग था, पर यहां पर सिर्फ 18,000 होगा। क्यों? क्योंकि 1,400 ये जो ट्रांजेक्शन है, ओके, ये जो ट्रांजेक्शन है इसका रिफंड ए को 89(4)A में मिल रहा है। क्लियर? तो ये 1,440 रुपया ऐड नहीं होगा। समझ में आया पॉइंट? सिर्फ 18,000 रहेगा। एक्सपोर्ट का टर्नओवर 1,50,000 कंसिडर होगा जैसे पहले भी हो रहा था, ओके, बट एडजस्टेड टोटल टर्नओवर यहां पर भी 1,50,000 ही कंसिडर होगा, यहां पर 1,50,000 ही कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि ये 10,000 का जो सेल्स है इसका जो रिफंड है वो 89(4)A में मिल रहा है, ओके, तो यहां पर एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में ऐड नहीं करना है। क्लियर है पॉइंट? ऐड कब किया था? जब रिसिपिएंट क्लेम कर रहा था, जब सप्लायर क्लेम करेगा तब ऐड नहीं करना। क्लियर? तो यहां पर 89(4)A का पूरा कंसेप्ट हो चुका। अब 89(4)B का कंसेप्ट बता देता हूं। अब 89(4)B का कंसेप्ट क्या? मर्चेंट एक्सपोर्ट। मर्चेंट एक्सपोर्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को सेल कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर हूं, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को सेल कर रहा हूं, ओके, तो यहां पर गवर्नमेंट बोलती है कि मुझे जीएसटी सिर्फ 0.05% चार्ज करना है, सीजीएसटी 0.05%, एसजीएसटी अगर इंटर होगा तो 0.1% आईजीएसटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होएगा, जो मैं जो सेल कर रहा हूं, मैंने तो परचेस किया होगा 12% पर या फिर 18% पर, लेकिन मैं सेल कर रहा हूँ 0.1% पर, तो यहां पर मुझे रिफंड मिलेगा अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड जो मर्चेंट एक्सपोर्टर है उसको रूल नंबर 89(4)B में रिफंड मिलेगा, जो 0.1% है उसका रिफंड रूल नंबर 89(4)B में मिलेगा। क्लियर है? अब एक कंडीशन ध्यान से सुनना, मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर को 0.1% चार्ज करके कब बेच सकता हूँ? जब मर्चेंट एक्सपोर्टर के पास एलयूटी होना चाहिए। क्लियर पॉइंट? सो हियर वी कंप्लीट विथ रूल नंबर 89(4)A एंड 4(b). अब अदर केसेस हम लोग देखेंगे बाद में, ओके, बाद में देखेंगे अदर केसेस, क्योंकि ये इररिलेवेंट है, इतना रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ ऑप्टेनिंग रिफंड, क्या प्रोसेस रहेगा रिफंड ऑप्टेन करने का। ओके, रिफंड है, रिफंड का प्रोसेस है। सबसे पहले आप लोग को एप्लीकेशन करना पड़ेगा रिफंड के लिए विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम रेलेवेंट डेट। 2 साल के अंदर अंदर क्या करना है? एप्लीकेशन करना है। 2 साल कहाँ से लेना है? रेलेवेंट डेट से। रेलेवेंट डेट का अपना ही बड़ा सा डेफिनेशन है, ओके, उसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ ये 3 समझ के चलो। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस में 2 साल कहाँ से गिनना स्टार्ट करना है? कंसिडरेशन और इनवॉइस विच एवर इज लेटर से 2 साल काउंट करना स्टार्ट करना है, ओके। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर से करना है, ओके, एंड अगर वेसल से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, ओके, वेसल या फिर एयरक्राफ्ट से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, बाय रोड हो रहा है, तो कस्टम फ्रंटियर जो दिन पास किया वहां से 2 ईयर्स काउंट करना है। एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में 3B का ड्यू डेट से काउंट करना है। एसईजेड को सप्लाई किया, देन ऑल्सो सेम केस है, 3B के ड्यू डेट से कैलकुलेट करना है 2 ईयर्स। क्लियर है? सो 2 साल के अंदर आपको क्या करना है? रिफंड के लिए अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? रिफंड के लिए एप्लीकेशन करना होगा विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द रेलेवेंट डेट। अगर आपका रिफंड एप्लीकेशन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ है प्रॉपरली, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए? बेसिकली स्टेटमेंट होना चाहिए, ओके, इनवॉइजेस का, अनेक्षर बी होना चाहिए जिसमें आपके परचेस के सारे इनवॉइजेस होंगे अलॉन्ग विथ एचएसएन कोड्स, नेट आईटीसी, टोटल आईटीसी होगा पूरा, ओके। उसके बाद आपका जीएसटीआर 2A होना चाहिए, 2B होना चाहिए, ओके। उसके बाद टैक्स इंसिडेंस आपने पास ऑन नहीं किया है उसका सर्टिफिकेशन वगैरह होना चाहिए। क्लियर? टैक्स इंसिडेंस पास ऑन नहीं किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन एक्सपोर्ट के केसेस में ये टैक्स इंसिडेंस सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, ओके।
उसके बाद ड्रॉबैक वाला एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि इन गुड्स के ऊपर हमने ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है, ओके, इसीलिए हम लोग जीएसटी का रिफंड क्लेम कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर आप लोग एक्सपोर्ट कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगता है तो आप लोग को रिफंड नहीं मिलेगा, ओके, ये पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगी आपको। एक्नॉलेजमेंट वुड बी रिसीव्ड इन RFT 02, ओके, और अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो आपको डेफिशिएंसी मेमो मिलेगा RFT 03 के अंदर विद इन द 15 डेज। अगर डेफिशिएंसी मेमो मिलता है तो आप लोग को वापस से एप्लीकेशन करना पड़ेगा नया, ओके, ऐसा नहीं कि जो जो डेफिशिएंसी उसको क्योर कर दिया हो गया, नहीं, आप लोगों को फ्रेश एप्लीकेशन अगेन वापस से करना पड़ेगा। तो आपने फ्रेश एप्लीकेशन किया, एक्सेप्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टाइम लिमिट शैल बी एक्सक्लूडेड। कौन सा टाइम लिमिट? एप्लीकेशन से लेकर के डेफिशिएंसी मेमो मिलने तक का जो टाइम लिमिट होगा वो टाइम लिमिट एक्सक्लूड किया जाएगा 2 ईयर्स के टाइम लिमिट में से। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। अगर एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है आप लोग को, ओके, तो एक्नॉलेजमेंट मिलने के अगले 7 दिन के अंदर अंदर, ओके, क्या मिलेगा? प्रोविजनल रिफंड मिल सकता है, ठीक है, इट इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफिसर। कितना मिल सकता है? मैक्सिमम 90% मिल सकता है विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट, विद इन 7 डेज फ्रॉम एक्नॉलेजमेंट। प्रोविजनल रिफंड कौन से केसेस में मिलता है? सिर्फ 0 रेटेड वाले केसेस में मिलता है। क्लियर है? मान के चलो प्रोविजनल रिफंड नहीं दिया तो क्या करेगा ऑफिसर? प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना स्टार्ट कर देगा, ओके, और अगर उसको सब कुछ सही लगता है, सब कुछ सही लगता है, तो वो सैंक्शन ऑर्डर बना देगा RFT 06 में, एंड उसके साथ साथ पेमेंट ऑर्डर बना देगा RFT 05। क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैंक्शन ऑर्डर एंड पेमेंट ऑर्डर? सैंक्शन ऑर्डर मतलब आपने रिफंड के लिए जितना अप्लाई किया उसमें से कितना सैंक्शन हो रहा है आपको। पेमेंट ऑर्डर मतलब अगर आपको समझो सैंक्शन हो रहा है 10,000 रुपीज, लेकिन आप लोग गवर्नमेंट को 2,000 रुपीज का ड्यू बाकी थे पे करने का, तो पेमेंट ऑर्डर बनेगा सिर्फ 8,000 रुपये का। पेमेंट ऑर्डर सिर्फ बनेगा 8,000 रुपये का। क्लियर है पॉइंट? रिफंड ऑर्डर बनेगा 10,000 का। अगर कुछ इररेगुलरिटी मिलता है उसको, जैसे आपने इनएलिजिबल ITC का रिफंड लिया होगा, तो यहाँ पर वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा RFT 08 में। शो कॉज नोटिस का आपको रिप्लाई करना है इन RFT 09 विद इन 15 डेज, ठीक है। आपके रिप्लाई के बाद वो क्या करेगा? सैंक्शन ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। अगर उसको कुछ रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट करके पास करेगा। इस सैंक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप लोग अपील फाइल कर सकते हो, ठीक है, यू कैन फाइल अपील। तो सैंक्शन ऑर्डर पास किया RFT 06 में, पेमेंट ऑर्डर पास किया RFT 05 में। क्लियर है? तो यहाँ पर अपना रिफंड प्रोसेस खत्म होता है। रिफंड प्रोसेस में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग को गवर्नमेंट बोलता है कि रिफंड हम आपको 60 डेज में दे देंगे फ्रॉम योर एप्लीकेशन। अगर नहीं दिया तो 61st डे से इंटरेस्ट हम लोग दे देंगे एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। क्लियर है? एंड अगर हायर अथॉरिटी ने कहा है आपको रिफंड देने के लिए एंड आपने 60 डेज में नहीं दिया, ओके, मतलब ऑफिसर ने 60 डेज में नहीं मिला, नहीं दिया हम लोग को रिफंड, तो यहाँ पर हम लोग 61st डे से इंटरेस्ट काउंट करेंगे एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। क्लियर है पॉइंट? तो यहाँ पर रिफंड का प्रोसेस खत्म हुआ। अभी हम लोग एक बार चार्ट बुक से ओवरव्यू कर लेंगे। रिफंड का जो फॉर्मूला होता है वो सुन लो। देखो फॉर्मूला तो अपने को पता है, लेकिन मैक्सिमम रिफंड कितना मिलेगा? आंसर इज जितना फॉर्मूला के हिसाब से है वो, और जो दिन हम रिफंड फाइल कर रहे हैं उस दिन हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में बैलेंस है वो, या फिर जो रेलेवेंट पीरियड का हम लोग रिफंड फाइल कर रहे हैं उस रेलेवेंट पीरियड के बाद, उस रेलेवेंट पीरियड का रिटर्न फाइल करने के बाद क्या बैलेंस था, ये तीनों में से विच एवर इज लोअर आप लोग को रिफंड दिया जाता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, ये सारा कुछ हो चुका है अपना। अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिफंड, कौन से केसेस में रिफंड मिलता है? सबसे पहला रिफंड वाउचर, अगर आपने किसी से रिफंड सॉरी किसी से आपने एडवांस लिया था, आपने गवर्नमेंट को एडवांस पर जीएसटी पे किया, लेकिन आप अभी सप्लाई नहीं करने वाले तो आप उसको पैसा रिफंड कर रहे हो, तो गवर्नमेंट से भी आप जीएसटी वापस से लोगे थ्रू रिफंड वाउचर। रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स पेड, आपने CGST SGST पे किया जबकि आपको करना चाहिए था IGST, तो यहाँ पर सही टैक्स पे करो, गलत टैक्स का रिफंड क्लेम करो। रिफंड टू CTP NRTP, अगर आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा पे किया था, ओके, तो CTP NRTP को रिफंड दिया जाएगा, ओके, जो भी डिफरेंशियल रहेगा उसका। बैलेंस इन ई कैश लेजर, जितना भी कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है उसका रिफंड आप लोग क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज IGST पेड बाय टूरिस्ट लिविंग इंडिया, अगर टूरिस्ट इंडिया के बाहर जा रहा है, उसने इंडिया में IGST पे किया था, तो उसको रिफंड दिया जाएगा। नेक्स्ट, रिफंड ऑन कॉन्सिक्वेंस ऑफ
एनी जजमेंट, मतलब अगर हाई कोर्ट में कोई डिसीजन आता है जिसकी वजह से आपको रिफंड मिलता है तो भी आप लोग रिफंड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनलाइज होएगा, ये अपन अगले चैप्टर में देखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय यूएन बॉडीज और एम्बसीज, तो इन लोग को भी रिफंड दिया जाता है जो यूनाइटेड नेशंस की बॉडीज होती है या फिर एम्बसी होती है। इंसिडेंस पास ऑन नहीं हुआ है ऐसा आप लोग को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, लेकिन ये डिक्लेरेशन कुछ कुछ केसेस में जरूरत नहीं है। कौन से केसेस में जरूरत नहीं है? एक्सपोर्ट के केसेस में, अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड क्लेम कर रहे हो आप उस केसेस में, रिफंड वाउचर में, रिफंड ऑफ रॉन्ग टैक्स पेड में, एंड नोटिफाइड एप्लीकेंट्स, ये तो अपन ने मतलब नोटिफाई हुआ ही नहीं, एंड ई कैश लेजर का रिफंड क्लेम कर रहे हो उसमें, समझ में। एंड 2 लाख के ऊपर अगर रिफंड का क्लेम होगा तो यहाँ पर आप लोगों को सीए सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। 2 लाख से कम रहेगा तो सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके, रिलेवेंट डेट का ये अपन ने जितना रिलेवेंट था वही पढ़ा, सफिशियंट है। बाकी प्रोसेस भी पूरा पढ़ लिया। यहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलर है, अगर आप लोगों को एडवांस मिला है, आप लोग को एडवांस मिला है, एडवांस मिलते ही आपने इनवॉइस इशू कर दिया, एग्जाम्पल आपने इनवॉइस इशू कर दिया, रिफंड रिसीप्ट वाउचर इशू नहीं किया, एडवांस के लिए आपने इनवॉइस ही बना दिया, तो यहाँ पर अगर सप्लाई कैंसिल हो जाता है आगे जा करके, ओके, तो आप लोग को क्या देना पड़ेगा? क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल ये मंथ है अप्रैल, अप्रैल मंथ में मुझे एडवांस मिला, मैंने इनवॉइस इशू किया, तो यहाँ पर इस इनवॉइस का जीएसटी मैं अप्रैल मंथ के साथ पे करूंगा। ओके, अभी मई मंथ में मालूम पड़ता है कि ये एडवांस जो लिया था उसके अगेंस्ट सप्लाई नहीं हुआ, सप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा क्रेडिट नोट, नॉट रिफंड वाउचर, आया समझ में। अगर मई मंथ में मेरा सेल रहेगा तो उस सेल से ये क्रेडिट नोट माइनस हो जाएगा, अगर कोई सेल नहीं रहेगा तो क्रेडिट नोट का आप लोग रिफंड क्लेम कर सकते हो अंडर एनी सॉरी अमाउंट एक्सेस अवेलेबल इन कैश लेजर। ओके, दैट इज एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स में, इसमें क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आपने रिफंड लिया, आपने रिसीप्ट वाउचर इशू किया, आप सप्लाई नहीं करने वाले तो रिफंड वाउचर इशू कर दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप लोग को रिफंड वाउचर के बेसिस पर रिफंड दिया जाएगा, समझ में आ गया अपन। नेक्स्ट द लास्ट सर्कुलर, अगर गुड्स इंडिया के बाहर जा रहे हैं एग्जीबिशन पर्पज के लिए, ओके, तो यहाँ पर 6 महीने के अंदर अंदर वापस से आने चाहिए। अगर एग्जीबिशन के लिए इंडिया के बाहर जा रहे हैं तो ये ऑब्वियसली अभी के लिए सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है, जीरो रेटेड सप्लाई भी नहीं है तो एलयूटी का जरूरत नहीं है, क्लियर है। और अगर 6 महीने के अंदर अंदर बिक गए, ओके, तो यहाँ पर उसको हम लोग जीरो रेटेड सप्लाई मानेंगे। अगर 6 महीने में नहीं बिके, 6 महीने के अंदर अंदर वापस आ गए, तो यहाँ पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है, जब भी आप सेल करोगे तब जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर नहीं बिके एंड फिर 6 महीने के बाद वापस आए, तो यहाँ पर आप लोग को जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्लियर है, जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के अंदर अंदर बिक जाते हैं, ओके, इंडिया के बाहर गुड्स हैं, 6 महीने के अंदर अंदर बिक जाते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को रिफंड दिया जाएगा, जो भी 89(4)A के हिसाब से आपको रिफंड दिया जाएगा, क्लियर ठीक है। अपना ये पूरा चैप्टर हो चुका है। अब यहाँ पर ये रूल 96 का कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है विच आर नॉट रिलेवेंट फॉर योर एग्जाम्स, तो ये अमेंडमेंट्स हम लोग अभी नहीं करेंगे। ओके, दैट्स इट विद दिस चैप्टर, थैंक यू सो मच।